नैनीताल के बेतालघाट के मझेड़ा गांव में बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक युवक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो अपने घर का इकलौता चिराग था। युवक की बहन की शादी हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मझेड़ा गांव के रहने वाले भरत पांडे उनके घर के पास बनी पानी की टंकी में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ में जो लोहे का पाइप पकड़ा हुआ था वो हाई टेंशन तार से जा टकराया, जिससे कि भरत भी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भरत अपने घर के इकलौते चिराग थे। उनकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है। उनकी मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। ये घटना नैनीताल के बेतालघाट के मझेड़ा गांव की है, जहां भरत पांडे नाम के एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया है। हादसे के बाद परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।